वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फैशन क्रेज की जानिब। तो जनाब, फैशन का एक बहुत हद तक ताल्लुक फोटोग्राफी से भी है। अगर आप अच्छे लग रहे हैं और अगर आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती तो फिर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। सो अच्छी फोटोग्राफी और अच्छे फ़ोटोशूट्स होना आजकल, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी है चाहे वो फैशन फोटोग्राफी है, बहुत ज़रूरी हो गया है। सो मेरे साथ मौजूद हैं असद बुखारी, ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वेलकम टू द शो असद। सो ज़्यादा आप फोटोग्राफी किस मीडियम में करते हैं? सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही फिल्म एंड टीवी था, शुरू से शौक था मुझे फैशन का, तो मेरा ज़्यादा मीडियम जो फैशन का और वेडिंग का है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वेडिंग्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है लास्ट 4-5 ईयर्स से। लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी फोटोग्राफी के बारे में। पहले होता था कि अगर आप देखें कि लोग बहुत कम होता था कि अगर फैमिलीज़ में फ़ोटोग्राफर्स आए हैं तो इतना हेजिटेट करते थे पिक्चर्स लेते हुए, तो अब मेन फोकस उनका होता ही फोटोग्राफी के ऊपर है। तो या मैं फैशन का भी और वेडिंग का दोनों करता हूँ इक्वली। बिल्कुल, आजकल जो वेडिंग फोटोग्राफी है वो तो एक बिल्कुल ही नई उस पर लेवल पे जा चुकी है, बिकॉज उसमें भी सिनेमैटिक इफेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली, कीप इट वेरी ओरिजिनल। सो जब आप करते हैं या फिर हम अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी की बात कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोकस में रखना? वेडिंग की अगर आप बात करें तो सबसे मेन जो होता है वो कपल शूट होता है, क्योंकि लोगों को हमें ज़्यादातर ब्राइड और ग्रूम ही बुक करते हैं, क्योंकि फैमिली को इतना कंसर्न नहीं होता जितना ब्राइड ग्रूम को होता है। उनका मेन फोकस ये होता है कि हमारा पर्सनल जो फ़ोटोशूट है वो अच्छा आना चाहिए। उसके लिए अब पहले होता था कि इंडोर स्टूडियोज़ होते थे, हम वहाँ पर शूट करते थे। अब टोटली ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है। अगर आप देखें गवर्नर हाउस में शूट हो रहे होते हैं, बादशाह मस्जिद में शूट हो रहे होते हैं। लाइक ब्राइड स्पेशली वर्किंग की होती है उन्होंने कि हमें शूट्स कहाँ करवाने, इवन के उन्हें अपने पोजेज़ निकाले होते हैं कि मैंने कौन कौन से पोजेज करवाने हैं। तो मेन फोकस जो होता है उसके ऊपर होता है। और अगर आप पहले देखें तो हमारे, हम लोग एक लेंथी वीडियोज़ बनाते थे। अगर मेरे पेरेंट्स, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ देखता हूँ, आप भी पुराने में देखते हैं अर्ली 90s में, तो एक वो लेंथी वीडियो होती थी कि वो 2-3 घंटे की चल रही होती थी। अब 4K मीडियम पर वीडियोज़ आ गई हुई हैं, सिनेमेटिक वीडियोज़ जिसको आप बोलते हैं। वो लोग हाइलाइट्स मांगते हैं, लाइक आप पूरे इवेंट को, इट्स लाइक अ ट्रेलर के 2-3 मिनट्स में हमारा सारे का सारा वो हमारी सारी वेडिंग नज़र आ जाए। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा वेडिंग पर फोकस की जाती हैं, एक सिनेमैटिक वीडियोज़ जो उनकी हाइलाइट्स जिसको बोलते हैं, और सेकेंडली उनका फ़ोटोशूट कि वो कहाँ पर हम जाके कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसके बैकग्राउंड्स क्या आ रही हैं, उनके पोजेस क्या हैं। तो ये मेन वेडिंग पे फोकस होता है। एक्चुअली ड्रोन भी यूज़ किए जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएगा फैशन फोटोग्राफी में आजकल क्या ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन है? अब फैशन भी हमारा, अगर आप हमारी फैशन इंडस्ट्री देखें या फिल्म इंडस्ट्री देखें, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है लास्ट 4-5 ईयर्स से। फैशन में अगर आप हाई फैशन पे जाते हैं उनके बिल्कुल थीम डिफरेंट होते हैं। लॉन शूट्स पे जाएं तो लॉन शूट्स पे यू नो लाइक आपको कोई भी लॉन के अकॉर्डिंगली कोई आउटडोर लोकेशन देखनी होती है कि बादशाह मस्जिद चले जाएँ, कोई हिस्टोरिकल प्लेस चले जाएँ, मेजोरिटी वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पर करते हैं, किसी झील पर चले जाएँ। अगर वेबसाइट शूट्स पे आएँ तो जितने भी खाड़ी हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उनको वेबसाइट शूट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शूट आउटडोर नहीं कर सकते होते और कपड़े उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर हम लोग बैकग्राउंड्स पे करते हैं अंदर सेट लगा के, ताकि वो जल्दी में कोई 100-200 ड्रेसेस को हम ईजीली कर सकें। तो वो वाइट बैकग्राउंड या सेट लगा लेते हैं, कुछ भी डिफरेंट सा इस तरह कर लेते हैं। किन किन ब्रांड्स के लिए अब तक आप शूट कर चुके हैं? मैं काफ़ी ब्रांड्स से काम कर चुका हूँ। मैं पहले खुद भी मॉडलिंग करता रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा इश्क था कि मेरा काफ़ी लिंक्स थे इन लोगों से। सायरा रिजवान इज़ वन ऑफ देम जिनका मैं परमानेंटली काम कर रहा हूँ। मैंने इनके ब्रेकआउट के लिए शूट किए, और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स जिनके हम ऑफ एंड ऑन का शूट्स करते रहते हैं। सो बहुत सारा ऐसा नया टैलेंट है जो आना चाहता है मॉडलिंग के अंदर, और उनको पोर्टफोलियोज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि फैशन फोटोग्राफर्स ही बनाते हैं। सो एक्चुअली आप वो भी करते हैं? जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें फोटोग्राफी और फैशन के अंदर अब बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले होता था कि लोग समझते थे नहीं, फैशन इंडस्ट्री को अच्छी नहीं है, मॉडल्स नहीं बनते थे। अब तो सारे, मतलब मेरे जूनियर्स जितने भी NCA के, वो स्टूडेंट्स मॉडलिंग कर रहे होते हैं। BNU के बच्चे जो मॉडलिंग कर रहे होते हैं वो अच्छा पैसे भी कमाते हैं, अपने फीसेज निकालते हैं, अपने TA DA सब कुछ उससे पूरा कर लेते हैं। तो अब जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी बैकग्राउंड और फैमिली से हैं,
और अब तो बहुत ज़्यादा लाइक चेंज हो चुका हुआ है. जी हम बिल्कुल बनाते हैं, काफ़ी नए स्टूडेंट्स का बनाते हैं, और लेकिन हम बता देते हैं पहले कि आपको बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि शौक सारों को ही होता है. लेकिन डेफिनेटली आप गाइडलाइन सही करनी चाहिए, ये नहीं कि आप उनको चार्ज करो और बाद में उनके पोर्टफोलियो का फ़ायदा ना हो. तो या हम लोग बनाते हैं, उसके बाद फिर हम रिकमेंड करते हैं डिज़ाइनर्स को. जैसे आप डिज़ाइन देना, तो आपने मेरे से पूछा कि मेरा शूट है, कोई जीन्स का है, टॉप्स का है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको रिकमेंड कर देते हैं कि ये नया टैलेंट है. क्योंकि अक्सर डिज़ाइनर्स जो हैं वो कहते हैं कि न्यू टैलेंट चाहिए, क्योंकि उसमें यू नो लाइक कॉस्ट कट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, न्यू फेसेस आ जाते हैं, न्यू टैलेंट आता है, और इसमें अच्छी बात है कि इंडस्ट्री में नए लोगों को आना चाहिए. तो सो आपको ट्रैवलिंग का भी शौक है, पाकिस्तान चूँकि बहुत खूबसूरत सीनरी से भरा हुआ है, सो जाते हैं फोटोग्राफी के लिए वहाँ? जी बहुत ज़्यादा. मैं अभी चित्राल फेस्टिवल पे गया हुआ था, और टूर्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मेरा पीछे से बैकग्राउंड भी हमारा माउंटेनियस फैमिली से है. अच्छा. तो मैं बल्कि अभी 2-3 दिन पहले ही आया हूँ, तो मेरा तकरीबन समर्स मेरा ऑलमोस्ट नॉर्थ में ही रहता है. सो फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो फिर फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी करते हैं? जी डेफिनेटली, क्योंकि आप फोटोग्राफर हैं तो आपका वो आप ना भी चाहें तो आप ऑटोमेटिकली कैमरा निकाल के करते हैं. तो कौन सी ऐसी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कोई ऐसी जगह की आपने ली हो जो हमें बताएं? मुझे फेरी मीडोज, मैंने जहाँ पे भी ट्रैवल किया, फेरी मीडोज इज़ वन ऑफ यू नो लाइक बेस्ट प्लेस जो मुझे अच्छी लगती है. और मैंने बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज मैंने की हुई हैं इसके ऊपर, और मैंने अभी लक्सिस हंजा का शूट किया था, जो कि हंजा में जो अताबाद लेक के ऊपर है, तो वो बहुत खूबसूरत जगह है. मैंने उसके बहुत अच्छे शॉट्स लिए थे, मैंने लास्ट ईयर उनका शूट किया था, तो वो मेरे फेरी मीडोज और ये दोनों लाइक मेरे अच्छे शॉट्स में से एक है. यानी जाते भी हैं, अब सैर का भी वो पूरा हो जाता है, फोटोग्राफी भी पॉलिश्ड हो जाते हैं. तो मुश्किल फोटोग्राफी कौन सी है, नेचर को कवर करना या फैशन फोटोग्राफी? मैम वर्ल्ड में सबसे मुश्किल अच्छी फोटोग्राफी ना बच्चों को शूट करना और एनिमल्स को शूट करना. मतलब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं अपने पेट्स लेके, तो वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते उसको, आपको बड़ा वेट करना पड़ता है. सेम बच्चों के हम न्यू बॉर्न बेबी शूट भी मैं करता हूँ, बर्थडे शूट करते हैं जो 1 ईयर 2 ईयर के बच्चे होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये खुदा की वाइद मखलूक हैं, जो उन्होंने उनके मूड स्विंग्स हैं वो नहीं कैमरे में देखते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये दोनों चीज़ें मुश्किल हैं. वैसे फैशन सबसे ईजी है, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, तो दे नो हाउ टू पोज, अपना एटीट्यूड लेके आते हैं फेस पे, और वो बहुत ईजी होता है. और वेडिंग में ईजी फैशन है, मुश्किल बच्चों का और पेट्स का है. और वेडिंग बस सोचो है, मतलब ब्राइड ग्रूम पर डिपेंड करता है कि उनकी केमिस्ट्री कैसी है. अगर पहले से किसी को जानते हैं, निकाह हुआ हुआ, एंगेजमेंट हुई, थोड़ा सा ईजी होता है. लाइक बिल्कुल ही अरेंज मैरिज हो तो यू नो लाइक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो भी बच्चे ही बन जाते हैं, फिर उन्हें भी आगे करना मुश्किल हो जाता है. बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बुखारी, इट्स इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सो अच्छी तस्वीरों के लिए भी ज़रूरी है कि, बिकॉज़ आजकल तो हम यही देखते हैं कि सैंगल से हमारे फ़ोन ही हमारे कैमराज एक्चुअली हो गए हैं. वो दौर किया जब हम एक फिल्म डालते थे, उसको डेवलप कराते थे, और फिर इंतज़ार होता था कि वो पिक्चर कैसी होती है जब एक हाथ में आती है. सो अब ट्रेंड इज़ वेरी चेंज, आप एक सेल्फी लेते हैं और देखते हैं नहीं अच्छी, फिर से क्लिक करते हैं. बट एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी डिफरेंट होती है, और प्रोफेशनल रिजल्ट पर्सनल रिजल्ट से बहुत हद तक डिफरेंट होता है. सो असद को हम खुदा हाफिज़ कहेंगे, और आपसे हम ब्रेक के बाद मिलते हैं. ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं.